गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग डेसिमल नंबर। तो बेटा उसको क्या करेंगे, रूल सेम है डमास का। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, डिवीज़न। तो डिवीज़न कहाँ है, यहाँ। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इन्हें ही सोल्व करेंगे। और आपको पता है डेसिमल में जो डिवीज़न होती है, अगर जो नंबर डेसिमल में है और उसको डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, तो उसका रूल ये है, एक तो आप उसको, या तो आप उसको डेनोमिनेटर में ले आओ लाइक दिस, और फिर उसको वन डेसिमल प्लेस है तो डेनोमिनेटर को में डेसिमल को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें डेसिमल में टेबल नहीं आती, डेसिमल नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करेंगे, रिमूव डेसिमल। तो हम उसे किसने से मल्टीप्लाई करें, हमें पता है मल्टीप्लाई मिस्टर से हमें क्लियर है, तो राइट में तभी शिफ्ट होगा। तो राइट में शिफ्ट करना है तो कितनी प्लेस शिफ्ट करना है, वन प्लेस। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम से हम न्यूमरेटर को करेंगे, तो अब आ गया 18/9, क्या बन जाएगा 2। तो इसको सोल्व करके आ गया 2। दूसरी सेंस में आपको ट्रिक बताई थी बेटा, जब डेसिमल प्लेसेस इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, नंबर नॉर्मल हो जाएगा। 18 को 9 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 2। अब बारी है, ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई, और नहीं है इसमें, तो अब हम क्या करें, ऐड। एडिशन का सिंबल किसके सामने है, किसके सामने, और इसके सामने कुछ नहीं, तो ये भी ऐड है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। उसका भी एक मेथड है कि 10th प्लेस विल बी एडेड टू 10th, 7, 5, 12, 1 कैरी, 1's प्लेस विल बी एडेड, डेसिमल का डेसिमल, 1's प्लेस विल बी एडेड टू 1's, तो 1 + 1, 2, 2 + 2, 4, 4.2। दूसरी सेंस ये थी, आप ऐसे लिख के प्लस करके साइड में देख लें और वहाँ पे उसकी प्लेस पे सॉल्यूशन लिख दें, 7, 5, 12, डेसिमल का डेसिमल, 1 कैरी, 4, इस तरह से। तो इनकी प्लेस पे सोल्व करके हमने वो लिख दिया। उसके बाद अब हमें लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, पहले उसको अलाइन करो प्रॉपरली, लाइक उसमें डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करो। तो 2 के पीछे कोई डेसिमल नहीं है और हमें 1 प्लेस चाहिए, तो 2.0, हमें पता है हम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे डायरेक्ट 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो 10th प्लेस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसको प्रॉपर अरेंज करना है, 2 - 0, 2, डेसिमल का डेसिमल, 4 - 2, 2, तो ये आ गया बेटा। आई थिंक इट इज़ क्लियर, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ हम डमास के अकॉर्डिंग डिवीज़न को सोल्व करते हैं, डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। अब बारी है एडिशन की, तो हमें इन, इसके सामने प्लस है और इसके सामने, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 10th प्लेस विल बी एडेड टू 10th, 5 + 1, 6, डेसिमल का डेसिमल, अब 1's प्लेस विल बी एडेड टू 1's, लाइक प्लेसेस ऐड होती हैं, लाइक प्लेसेस की डिजिट को हम ऐड करेंगे, 2 + 1, 3, तो 3.6। नेक्स्ट चेक करिए, हमने इसकी जगह पे इनका सॉल्यूशन लिख दिया, बाकी सेम, -1.5। लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन, वही रूल सेम है, डिजिट एट लाइक प्लेसेस विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन जो परफॉर्म करेंगे लाइक प्लेसेस की डिजिट के साथ करेंगे, 6 - 5, 1, डेसिमल का डेसिमल, 3 - 1, 2, 2.1, क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, ये थोड़ा कटा हुआ है, चेक कर लेते हैं, 0.9, ओके। तो यहाँ 0.9 है, अब देख लेते हैं, हमारा सबसे पहले डिवीज़न है नहीं, फिर नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है। तो मल्टीप्लाई का रूल है, पहले नॉर्मल को मल्टीप्लाई करो, 12 - 5 = 60, अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, 1 ये है 1 ये है, 2 हो गई टोटल, और किस साइड होती हैं डेसिमल प्लेसेस, राइट साइड, तो राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, तो 6, 0, 1, 2, डेसिमल, तो 0.60 हो गया। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर इसको एडिशन, नेक्स्ट स्टेप है एडिशन, तो ऐड करने के लिए लाइक में कन्वर्ट कर लें, इसके पीछे 10 लगा ली, अब ऐड करेंगे, 100th प्लेस 100th में, 10th में, 6 + 3, 9, डेसिमल डेसिमल, 2 + 0, 2। अब बारी है, लास्ट स्टेप है सब्ट्रैक्शन,
तो यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा वो 0.9 है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 90 हो गया था तो इसको भी उसमें कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो को छोड़ दें क्योंकि 10th तक था, तो वो जैसा आपको ठीक लगे, 0 में से 0, 0, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 0, सेम प्लेस की डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल का डेसिमल, 2 माइनस 0 2, तो 2.00 कह लो या 2 कह लो, सेम है। आगे चलेंगे बेटा सी पार्ट। सी में देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिवीज़न नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अब बारी है एडिशन की। एडिशन के लिए सामने देखना है, ये माइनस है, ये प्लस है, और इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस को साथ में नोट कर लिया, ये हो गए 28.9 प्लस 3.9। अब क्या करें, सेम प्लेसेस की डिजिट को ऐड करेंगे, 9 9 18, 8 1 कैरी, 8 1 9 प्लस 3 12, 2 1 कैरी, 2 1 3, तो ये आ गया बेटा, जहाँ डेसिमल था वहाँ डेसिमल लगा दिया। अब बारी है सब्ट्रैक्शन, लास्ट स्टेप है, तो हम जो सेम प्लेसेस हैं उनकी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 0, डेसिमल का डेसिमल, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट की 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 1, तो 12.0 कह लो या 12 कह लो, सेम है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा डी पार्ट। डी में पहला डिवीज़न का स्टेप है नहीं डिवीज़न, फिर है मल्टीप्लिकेशन, कहाँ है, यहाँ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, डेसिमल प्लेसेस कितनी है 2, तो 2 प्लेसेस के बाद राइट साइड से डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद हमने उसकी प्लेस पे लिख दिया 0.30। अब एडिशन, 0 को आप छोड़ भी सकते हो लास्ट वाली, क्योंकि इसमें 1 प्लेस है तो 1 तक रख लो, और नहीं तो इसको भी लाइक में कन्वर्ट कर लो, इसके पीछे 0 लगा ली। अब देखिए डेसिमल के बाद 30 है, 30 प्लस 30 60 होता है, तो 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 6, डेसिमल का डेसिमल, अब 5 प्लस 0 5। नेक्स्ट देखिए माइनस 2.1, एक स्टेप में एक ही ऑपरेटर अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा सब्ट्रैक्शन इज़ द लास्ट स्टेप। अब 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 10th प्लेस की डिजिट को सब्ट्रैक्शन किया, 5 डेसिमल का डेसिमल, 5 में से 2 3, तो यहाँ क्या आ गया 3.5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे ई पार्ट। तो ई पार्ट में देखिए सबसे पहला रूल है, फर्स्ट स्टेप है डिवीज़न, तो कहाँ है डिवीज़न, यहाँ। अब यहाँ कैसे डिवीज़न है, हमें डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है, वो तो हम कर सकते हैं, होल नंबर की टेबल आती है तो साइड में करके देख लीजिए जिससे प्रॉब्लम ना आए। 5 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 5 बच्चों को 2 टॉफीज में से कुछ भी नहीं, 0, डेसिमल के ऊपर डेसिमल, अब 5 को भी इंक्लूड कर लिया बन गया 25, 5 5 25, तो 0.5 हमने वही लिखा, बाकी सेम लिख दिया मल्टीप्लाई 0.4 प्लस 2। अब सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लिकेशन, तो किनको मल्टीप्लाई करना है, इनको 5 4 20, डेसिमल प्लेस कितनी है 1 प्लस 1 2, तो राइट साइड से 2 प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 0.20। अब क्या करना है, अब ऐड करना है 2 प्लस 0.20 क्या आ जाएगा, तो हमें पता है लाइक में कन्वर्ट कर लो इसे सबसे पहले, तो ये हो गया 2.00, 2 प्लेसेस थी इसके भी बना दिया। अब ऐड कर सकते हो 20 में इधर 0 में ऐड करोगे तो सेम आ गया, डेसिमल में डेसिमल 2.20। इज इट क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे एप पार्ट। देखिए सबसे पहले डिवाइड, डिवीज़न यहाँ है, और डिवीज़न किसकी है, डेसिमल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करना है, तो हमें क्योंकि उसका वो नहीं आता, वैसे देखिए इक्वल डेसिमल प्लेसेस है, ये आपको ट्रिक बताई है तो कैंसिल हो जाएगी, तो यानी दूसरी सेंस में 36 को 9 से डिवाइड करना है, तो मैं एक बार प्रूव कर देती हूँ, 3.6 को ये D4 divisor डाउनवर्ड डेनोमिनेटर में, तो अब इसको रिमूव करने के लिए नीचे 1 प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई, तभी बड़ा होगा, 9 तभी हो सकता है, तो नीचे 9 हो गया, ऊपर 1 प्लेस मिस्टर के अकॉर्डिंग राइट में शिफ्ट हो गई डेसिमल, तो 36, तो वही आ गया 36 by 9 से कट कर, ओके 9 4 36, तो साइड में आप रफ में सोल्व कर लें, इसकी जगह पे आ गया 4। अब क्या है सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई 4 5 20 लिखा, डेसिमल प्लेस कितनी है 1, राइट साइड से 1 प्लेस के बाद डेसिमल,
अब ये आ गया 2.0 माइनस 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो इसको लाइक में बदले थे, इसके पीछे भी जीरो लगा ली डेसिमल लगा के, लेकिन हम अपने आप से जीरो डेसिमल के बाद लगा सकते, तो हमने डेसिमल लगाया फिर जीरो। तो अब 2.0 माइनस 2.0 क्या आ गया, जीरो। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो लेट्स एंड।